पहले नगर निगम ने जो गड्ढे भरी पहले सड़क के नर्मदा पाइपलाइन के लिए इन्होंने गड्ढे करे, तो पहले सड़कों को खोद डाली, फिर उसके बाद में भी सड़कें भरी और फिर वो पानी में बह गई पूरी की पूरी। जितने भी थे जहाँ जहाँ उन्होंने पाइपलाइन दबाई वहाँ की पूरी सड़कें बह गई और अब फिर से उसका गड्ढे भरने का काम हो रहा है और उसमें इतनी धूल मट्टी इतनी उड़ रही है कि सांस लेना दोबारा हो गया। परेशानी ये है कि आदमी आधा घंटे में पहुँचने वाला आदमी 15 मिनट में पहुँचने वाला आदमी 1 घंटे में पहुँच रहा है। सारा शहर के गड्ढे सब खुदे में, यानी आदमी बहुत परेशान है। एक यहाँ से वहाँ तक के सब देख लो खुद ही गड्ढे खुदे में, एक भी रोड सड़क सही नहीं है। यहाँ की जितनी भी बनी हुई सब खुदी हुई पड़ी हुई है। गाड़ियों में खर्चा तो, साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रही नगर निगम, तो कुछ कर ही नहीं है। और कुछ आप देखो ना खुद हालत कैसी है यहाँ की। किसी मरीज को लेकर जाना हो तो और मरीज हो जाए, बीमार हो जाए। अब ये सड़कें जो ख़राब हुई हैं इसकी एक वजह जो इस साल ज़्यादा बारिश हुई है उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि सड़कें ख़राब हुई हैं और सड़कों में गड्ढे हुए हैं। किस तरह की तैयारी की जा रही? अभी इस मामले को लेकर परिषद में कुछ पार्षदों ने इस बात को प्रखरता से उठाया था। हमने ठेकेदार को गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं और 15 दिन में शायद पूरे शहर के गड्ढे भरने का उनको बोला है और वो शायद भरना चालू भी कर दिए उन्होंने। जो गड्ढे भरे जा रहे हैं वो मिट्टी से भरे जा रहे हैं, वो भरने के 2 दिन बाद ही वापस खाली नहीं, नहीं इसी कहीं आपको स्थिति दिखती तो आप हमें बताएं, हम खुद जाके देखेंगे उसको और काम गुणवत्ता वाला ही होना चाहिए और गुणवत्ता वाला ही होगा।